स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 19 का पार्ट 2 समझ आ गया होगा कि जिसके अंदर हम लोगों ने जेनेरिक टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि जी जेनेरिक टाइप्स और लिंक क्यू की क्यूरीज किस तरह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह एग्जीक्यूट होंगी। जबकि हम लोगों ने इसके अंदर ही ये डिफ्रेंशिएट किया था कि जी जेनेरिक टाइप्स के ज़रिए क्यूरी किस तरह एग्जीक्यूट होगी और हमारे पास वेरिएबल्स जो हमारे पास इम्प्लिसिट कन्वर्जन है, ठीक, उसके अंदर हमारे पास किस तरह लिंक की क्यूरीज एग्जीक्यूट होंगी। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग जेनेरिक टाइप्स एंड लिस्ट को लिंक क्यू के ज़रिए एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि जी किस तरह जेनेरिक टाइप्स और लिस्ट क्यू के ज़रिए लिंक की क्यूरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इसके डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं कि जी प्रोग्रामिंग के लिहाज से कि जी किस तरह लिंक क्यू वर्क करती है जेनेरिक टाइप्स एंड लिस्ट के साथ। हम लोगों ने यहाँ पर एक लिंक क्यूरी की डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या किया कि जी हम लोगों ने यहाँ पर एक सबसे पहले एक क्लास बनाई जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि जी दो वेरिएबल्स रख दिए, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम एंड स्ट्रिंग लास्ट नेम। अब हम इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहला ऑपरेशन ये परफॉर्म करेंगे कि जी हम लोग इसको लिस्ट के अंदर एज अ जेनेरिक टाइप ऐड करेंगे और लिस्ट के अंदर डाटा ऐड करते जाएंगे। फिर हम लोग इसको देखेंगे कि जी इसके ऊपर ऑपरेशन ये परफॉर्म करेंगे कि जी हम सर्च करेंगे फर्स्ट नेम के लिहाज से, जिसका फर्स्ट नेम हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा, हम उस फर्स्ट नेम को इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे, सर्चिंग की क्यूरीज इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और उस लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जी जो हमारे पास सर्च डाटा आया है हम उसको बाय फर्स्ट नेम जनसा है उसको सॉर्ट करने की भी कोशिश करेंगे फर्स्ट नेम या लास्ट नेम के साथ। आइए देखते हैं कि जी क्या है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था कि जी ये एक डिफाइन कर दिया स्टूडेंट क्लास जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। हमने ऐड रिकॉर्ड किए, हम इससे पहले हम लोगों ने एक लिस्ट क्लास बनाई जिसके अंदर हमने इसकी जेनेरिक टाइप्स क्या रख दी स्टूडेंट, बजाय इसके कि जी इंटीजर स्ट्रिंग या कोई और वेरिएबल रखते तो हमने क्लास के वेरिएबल्स को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ये हमारे पास क्या बन गया जी क्लास का वेरिएबल। अब इस क्लास के वेरिएबल्स को हम लोगों ने जो लिस्ट का वेरिएबल बना है ऑब्जेक्ट बना वो एसटीयू के बना दिया और यहाँ पर एसटीयू जो डिफाइन करता है वो लिस्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट की जो डाटा है उसको एग्जीक्यूट करता है। और स्टूडेंट डाटा हमारे पास जो सा है स्टूडेंट क्लास का जो डाटा है उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। हमने सबसे पहले क्या किया कि स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि जी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को टेक्स्ट बुक वन के अंदर जो डाटा था और टेक्स्ट बुक टू का जो डाटा था वो प्रोवाइड कर दिया और उसको और लिस्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट को ऐड कर दिया और रिकॉर्ड सक्सेसफुली, यानी कि जी हमने मैसेज शो करवा दिया कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली हो गए। यहाँ तक तो ठीक है, अगर हम लोग डाटा ऐड करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली हो जाएगा। उससे पहले हम लोग इसका एक और ऑपरेशन देख लेते हैं जी सर्च का। हमारे पास क्या है कि जी एक हम लोगों ने पहले भी डिफाइन किया हुआ था इम्प्लिसिट कन्वर्जन के साथ कि जी जेनेरिक, अगर हम लोग इसको इसी क्यूरी को जेनेरिक के ऊपर भी अप्लाई करना चाहेंगे तो वो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे कि जी ये जो एग्जीक्यूट हुआ हुआ है हम लोग क्या करेंगे कि आई इन बराबर, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये कौन सी टाइप है हमारे पास स्टूडेंट की टाइप है तो हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट डिफाइन कर सकते हैं जी। ये हमारे पास क्या बन गया जी स्टूडेंट की टाइप बन गई। अब हम लोग ये सारी की सारी क्यूरी अगर उठाकर इसको प्रोवाइड कर दें, ठीक है, ये आ गया तो क्या हो गया कि जी ये हमारे पास एक स्टूडेंट की एग्जीक्यूटेबल क्यूरी बन गई जो कि जेनेरिक टाइप की बन गई। ऊपर वाली इम्प्लिसिट कन्वर्जन थी वो डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाती थी, यहाँ पर हमारे पास क्या है इम्प्लिसिट कन्वर्जन होगी। ये दोनों के अंदर अगर आप डिफरेंशिएट देखें डिफरेंट देखें कि जी ये क्या है हमारे पास एक टाइप की क्यूरी है जेनेरिक टाइप की और जबकि ये वाली जेनेरिक टाइप की नहीं है। आप लोगों को जो भी आसान लगता है आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मुझे क्योंकि पसंद ज़्यादातर जो अच्छा वे लगा है डिफाइन करने का वो फर्स्ट वन था तो इस वजह से इम्प्लिसिट कन्वर्जन के लिहाज से मैं इसको इसी तरह ही
रखता हूँ जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर किया। अच्छा, अब बात ये आ गई है कि जी हमारे पास क्या है कि जी हम लोगों ने एक ये रेंज वेरिएबल्स हम लोगों ने रखा, और रेंज वेरिएबल्स के अंदर हमने डिफाइन किया जो फर्स्ट नेम है, अगर जो टेक्स्ट के अंदर जो सर्च वाला रखा हुआ सर्च करने के लिए हमने डिफाइन किया है फर्स्ट नेम सर्च के लिए अगर, तो वो क्या है कि जी अगर हमें मिल जाता है तो वो वाला डाटा माई स्ट्रिंग के पास माई स्ट्रिंग को प्रोवाइड कर दे, और हमारे पास सारा का सारा डाटा किसके पास आ गया, स्टूडेंट कस्टम इन माई स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमने क्या किया कि जी जो हमारे पास फर्स्ट वाला डाटा था उसको हम लोगों ने फर्स्ट नेम के साथ सर्च कर दिया। इसके अलावा अगर हम लोग कहें तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि अगर तो जिसका नेम फर्स्ट है जमाल है, या अगर हम लोग ये करना चाहें ये इस जगह पर कि जी ये क्यूरी हम लोगों ने लगाई जिसके अंदर हम लोगों ने सर्च किया, और जो सॉर्टिंग वाला है उसको देखते हैं तो उसके अंदर क्या किया जी जो भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू थी उसको सर्च करें ऑर्डर बाय का लास्ट नेम के लिहाज से, जिसका लास्ट नेम के लिहाज से उसने क्या किया ऑर्डर बाय कर दिए, यानी कि उसने उसको सॉर्टिंग कर दी ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें और देखें और फिर इसको दोबारा कोडिंग की तरफ आएँ तो हम लोग इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ नेम ऐड करता हूँ जैसे कि जी रिकॉर्ड डाटा रिकॉर्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर मैं ये करता हूँ ऐड रिकॉर्ड सक्सेसफुली। यहाँ मैं दोबारा जमाल लिख देता हूँ, जमाल खान लिख देता हूँ, पहले जमाल शाह था, ऐड सक्सेसफुली। यहाँ पर लिख देते हैं जी ALI अली, ठीक है, ऐड रिकॉर्ड सक्सेसफुली। अब हमारे पास अगर ये देखें तो ये सारे के सारे क्या है रिकॉर्ड है। अगर मैं चाहता हूँ कि जी जमाल के रिकॉर्ड जो है वो मुझे सर्च करके बताए, तो इसके अंदर जो जमाल शाह था और जमाल खान था वो सारे दोनों के दोनों उसने ये हमें शो करके दे दिए। अब हम चाहते हैं कि जी इसको सॉर्ट बाय लास्ट नेम के हिसाब से किया जाए, तो खान के जो सा है इससे पहले आ रहा है तो डेफिनेटली वो इसको उठा लेगा और इसको सॉर्टिंग इस तरह करेगा जी जमाल खान और जमाल शाह। सॉरी यहाँ पर कुछ ये गड़बड़ है, मैं दोबारा जाता हूँ जमाल, और इस जगह पर आता तो जमाल खान जो सा है उसने उठा लिया और शाह को उसने रहने दिया, शाह को उसको डाउन कर दिया। जैसे कि जी हम लोगों ने यहाँ पर सर्च किया था तो शाह यहाँ पर आ रहा था और खान यहाँ पर है, जबकि अगर हम इसको सॉर्टिंग करें तो खान ऊपर चला गया और शाह हमारे पास डाउन में आ गया। तो इस तरह हम लोगों की सॉर्टिंग हो रही है। अब एक दफ़ा दोबारा इसको ओवरव्यू करते हैं कोडिंग को वन बाय वन। हम लोगों ने क्या किया कि जी ऐड रिकॉर्ड किए, ऐड रिकॉर्ड करने के लिए हमने सबसे पहले लिस्ट के एक जेनेरिक टाइप्स बनाया जिसके अंदर स्टूडेंट एज अ टाइप रखी, स्टूडेंट न्यू लिस्ट क्लास को इस तरह डिफाइन कर दिया। अब हमने स्टूडेंट का एक वेरिएबल बनाया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया सॉरी, और उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के साथ हम लोगों ने क्या किया कि जी दो वैल्यू जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐड की, और ये एस टी यू जो सा स्टूडेंट लिस्ट है उसके अंदर हम लोगों ने डाटा को ऐड करते गए वन बाय वन। हम लोग मुख्तलिफ डाटा टाइप्स भी रख सकते हैं, इंटीजर भी हो सकता है, सो वन, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि जी आपने उसकी लिस्ट क्लास क्या बनाई है जिसको हम लोग एक्सेस कर सकें डाटा को सेव करने के लिए। फिर हम लोगों ने क्या किया कि जी यही डाटा जो सा है सर्च रिकॉर्ड के ऊपर लगाया। हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह इम्प्लिसिट कन्वर्जन के लिए एक क्यूरी लगा दी जिसके अंदर हमने कास्ट जो सा हमारे पास रेंज वेरिएबल था उसको फर्स्ट नेम के साथ सर्च करवाया, सर्च करवाने के बाद जो भी डाटा आया वो माई स्ट्रिंग को हम लोगों ने पास कर दिया और यहाँ पर नीचे शो करवा दिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जी जिस नाम से हम लोग सर्च कर रहे हैं उस नाम का डाटा हमें सॉर्टेड ऑर्डर में भी डिस्प्ले थे, सर्च भी करे और सॉर्टेड ऑर्डर में भी थे, तो हम लोगों ने क्यूरी लगा दी यहाँ पर कि जी कस्ट इन एस टी यू लिस्ट का वेरिएबल था, कस्ट डॉट ये हमारा डाटा सोर्स लिस्ट वेरिएबल है,
ठीक है ना, लिस्ट का डाटा सोर्स है कॉस्ट डॉट फर्स्ट नेम इक्वल इक्वल टू सर्च डॉट टेक्स्ट, और ऑर्डर बाय क्या कर दिया कॉस्ट डॉट लास्ट नेम सेंडिंग ऑर्डर में, इसको सेंडिंग ऑर्डर में भी कर दिया। और इसको एग्जीक्यूट करके हम लोगों ने क्या किया कि जी यहाँ पर शो भी करवा दिया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। अगर इस कोड को देखें तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और प्लस इन्वायरमेंट न्यू लाइन के लिए हम लोगों ने डिफाइन किया। सही है जी, ये हम लोग ऑलरेडी इस तरह की चीज़ें वो दफ़ा कर चुके हैं। और यहाँ पर आके क्या किया कि जी इस चीज़ को हम लोगों ने शो करवा दिया डाटा को। एक दफ़ा फिर एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जी हम लोग कहते हैं कि जी यहाँ पर लिख देता हूँ कि जी अली एड रिकॉर्ड हम लोगों ने यहाँ पर किया जी जमाल अहमद एड रिकॉर्ड। फिर हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया जी खेलान एड रिकॉर्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर हम लोग माजिद कर देते हैं, हमारे पास है जी माजिद एड रिकॉर्ड। अब हम चाहते हैं कि जी यहाँ पर जो जमाल के नाम से रिकॉर्ड है वो शो कर दें जो फर्स्ट नेम और इसका जमाल हो। हमने शो कर दिया ए एच एम ए डी खान और ये खान, क्योंकि ये अहमद इससे इसके लिहाज से सॉर्टिंग ऑर्डर में अहमद पहले आता है इसलिए खान बाद में आता है, तो इस वजह से डाटा ऐसा है। अब अगर हम लोग यहाँ पर जमाल दोबारा कर दें और डाटा की जगह पर ए कर दें और एड रिकॉर्ड कर दें, फिर इसके बाद अगर हम सर्चिंग करें क्या करेगा कि जी जमाल अहमद जमाल खान जमाल ए, शॉर्ट ऑर्डर में करें तो ए अहमद एंड खान, ये स्टार्टिंग ऑर्डर में हमारे पास डाटा ईजीली आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जेनेरिक टाइप विद लिस्ट क्लास के साथ आप लोगों को लिंक की क्यूरी लगाना पता लग गया होगा कि जी किस तरह हम लोग लिंक की क्यूरी को लगाएंगे और हम लोग अपने डाटा के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई आपको कोई किसी किस्म की परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ